राजीव श्रीवास्तव के पास हम एक दफा फिर से चल रहे हैं। सुरेश राणा जी हमारे साथ है, कैबिनेट मंत्री है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। सुरेश राणा जी, जिस तरीके का जो आज मंत्रिमंडल है, तो कहीं लगता है जातीय समीकरण पे विशेष ध्यान दिया गया है। नहीं, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और अपने ऐतिहासिक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी को, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, मान्य प्रदेश अध्यक्ष जी को, यहाँ के संगठन को, कि उन्होंने एक सामान्य से कार्यकर्ता पर विश्वास जताया। और ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी है, यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ परिवार भाव है, सबको साथ लेकर के चला जाता है। और निश्चित रूप से वही मंत्रिमंडल में आपने देखा हो, वही अक्स दिखता है कि कैसे जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को, सामान्य परिवारों में पैदा हुए कार्यकर्ताओं को, सामान्य एक संगठन में जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए आगे बढ़े कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार है, और उस विचार के साथ ही हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो चार मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं, आप लोगों को नहीं लगता है कि वो इस्तीफे जो अंडर परफॉर्मेंस था, जो करप्शन के चार्जेस से, उसके कारण हुए और अब आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है? नहीं, जहां तक मंत्रियों के इस्तीफे की बात है, मैं कह सकता हूं ये सारी भूमिका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय संगठन को तय करनी होती है। और कब किससे संगठन में काम कर लेना है, कब किसको सरकार में काम करना है, कब किसको किस भूमिका में काम करना है, ये सब। और संगठन में काम करना और सरकार में काम करना, हम सब लोग इसके में कोई विशेष अंतर नहीं मानते। ये सब चूंकि जो पार्टी तय करती है, वो हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से एक आशीर्वाद भी है और एक निर्देश भी है, एक आदेश भी है। और मैं कहूंगा कि लोक कल्याण के जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाए हैं, और उन्हीं कार्यक्रमों को गति देने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद हों, माननीय विधायक हों, माननीय मंत्री लोग हों, सभी लोग मिलकर के लोक कल्याण के कार्यक्रमों को गति देने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश राणा जी। देखिए, ये हराम जिस तरीके से सुरेश राणा जी बता रहे हैं कि ये जो संगठन के फैसले हैं, कभी कोई संगठन में काम करता है, कभी कोई जो है सरकार में काम करता है, ये तो ये संगठन समझता है कि किसको कहाँ की जिम्मेदारी देनी है, और साफ साफ वो बसते हुए दिखाई दे रहे हैं जब जाति समीकरण की बात की जाती है।